राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान दुकानों में आग लगने का सिलसिला जारी है। शनिवार दोपहर आलमबाग की चंद्रनगर मार्केट की दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में करीब 10 से 15 दुकानें आ गईं। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये थाना आलमबाग अंतर्गत चंद्रनगर मार्केट है पीछे में, जिसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इसमें काफी दुकानों को क्षति हुई है, किसी प्रकार की कोई जन हानि नहीं है, लेकिन दुकानें जली हुई हैं। बाकी हम आगे की कार्रवाई देख रहे हैं। लगभग गाड़ियां कितनी आ गई? फायर ब्रिगेड की लगभग 8 गाड़ियां आ चुकी हैं। गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ चौकी इंचार्ज अभय नारायण सिंह ने ट्रांसपोर्टर शिवरतन यादव के गिरे 1,83,000 रुपए ढूंढकर शुक्रवार की रात उन्हें लौटा दिए। ये रुपए ट्रांसपोर्टर के मुनीम विशाल यादव से 30 मार्च को कोलिया के पास गिर गए थे, जिसकी सूचना ट्रांसपोर्टर ने चौकी इंचार्ज को दी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार शिवरतन यादव की गीडा इलाके के कोलिया के पास राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम से दुकान है। 30 मार्च को कंपनी के मुनीम विशाल यादव ने करीब 1,83,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए झोले में रखकर ले जा रहे थे। नौसड़ चौकी से कुछ दूरी पर झोले में रखा रुपया सड़क पर गिर गया। उधर पुलिस की तलाश में पता चला कि इलाके के हरैया गांव के पूर्णवासी निषाद को कुछ रुपए गिरे मिले हैं। चौकी इंचार्ज ने उनसे संपर्क किया तो पूर्णवासी ने बताया कि करीब 1,83,000 रुपए झोले में रखा कोलिया के पास मिला है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रांसपोर्टर शिवरतन और पूर्णवासी को चौकी पर बुलाकर रुपए वापस करा दिए। डाउन में भी आम आदमी की सुरक्षा के साथ साथ उनके हर एक तकलीफों का भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है उनको निवारण दिलाने के लिए। कहीं ना कहीं पुलिस हर जगह मौजूद है और उनके हर एक कष्ट को निवारण कर रही है। हमारे साथ नौसड़ के चौकी प्रभारी हैं, जिन्होंने अभी 1,82,000 एक ट्रांसपोर्टर का, यानी सॉरी 1,83,000 एक ट्रांसपोर्टर का दिलाया है, जिनको जो कहीं गिर गया था। हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसे वो उन्होंने उनको दिलाया और कहाँ गिरा था और कैसे उनको मिला। सर कौन था ये ट्रांसपोर्टर और कैसे ये उसका पैसा गिरा था और कहां से मिला है? ये राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने 30 मार्च को सुबह 10 बजे करीब आके हमें सूचना दी कि साहब हमारे मुंशी ने अपने झोले में बांध कर कपड़ा और कंपनी का पैसा 1,83,000 लेके मुझे देने लेके आ रहा था और जो रास्ते में कहीं गिर गया। इस सूचना पर हमने अपने मुखबिरों से और खुद भी काफ़ी प्रयास किया तो कल हमें पता चला कि इस ये पैसा पूर्णवासी जो हरैया का रहने वाला है वो पाया है। तो उसके यहाँ जाके कड़ाई से जब पूछताछ किए तो बताया कि साहब हम ऐसे सुबह उस दिन पाए थे पैसा, फिर वही पैसा वो राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक शिवरतन को बुला के कल लगभग 8 बजे रात में उनको दे दिया गया पैसा। कहीं ना कहीं पुलिस लॉकडाउन के में भी पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर ही रही है, साथ ही साथ किसी भी हर एक मजलूम और गरीब का भी साथ देने के से नहीं चूक रही है। हर जगह पुलिस अपने मुस्तैदी से काम कर रही है। सतीश शुक्ला, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में प्रदेश का पहला सैनिटाइजर टनल महेवा फल एवं सब्जी मंडी में बनकर तैयार हो गया। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए इस टनल में सिर्फ एक बार गुजरकर कोई भी व्यक्ति खुद को सैनिटाइज कर सकेगा। ऐसा ही सैनिटाइजेशन टनल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी जल्द बनाया जाएगा। महेवा फल एवं सब्जी मंडी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति टनल से होकर गुजरे या सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जा सके। इसके अलावा महज 30 सेकंड में इस टनल में दाखिल होने वाला व्यक्ति सिर से लेकर पैर तक सैनिटाइज हो जाएगा। इस टनल में सेंसर लगे हुए हैं, जिससे फव्वारे के रूप में सैनिटाइजर निकलता है। बता दें कि लॉकडाउन की अवधि में लोगों के घर तक सब्जी और गल्ले के सामान की आपूर्ति कराई जा रही है। सब्जी फल के अलावा चावल दाल आदि की भी आपूर्ति भी मंडी से ही हो रही है। हर दिन काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है, जिससे सोशल डिस्टेंस का फॉर्मूले का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से जिला प्रशासन ने महेवा फल एवं सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर सैनिटाइजर टनल बनाने का निर्णय लिया है। हम खड़े हैं इस समय महेवा मंडी में। महेवा मंडी में ये लगा हुआ सैनिटाइजर गुफा है। इस गुफा में अगर कोई आना चाहे तो पहले सैनिटाइज होगा, उसके बाद ही महेवा मंडी में आ सकता है और जाने की भी लिए यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह सैनिटाइजर
पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही लोग जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये सिर्फ आने का और जाने का रास्ता दिया जाएगा, बीच में अभी यह खुला हुआ है, यहाँ पे इसको बंद किया जाएगा और साथ ही केवल एक ही तरफ से आने और जाने का यही एक रास्ता और एक केबिन रहेगा। ये अपने तरह का उत्तर प्रदेश में पहला गुफा टाइप यह मशीन लगाई गई है, जिससे आम आदमी को सैनिटाइज किया जा सके, कोई भी इस तरह के घटना से बच सके, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है कोरोना की लड़ाई और जंग में सबको साथ रखने की, कहीं कोई बच ना जाए, कोई संक्रमित व्यक्ति यहाँ वापस ना आ पाए, इसके लिए कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। साथ ही सैनिटाइजर कि जो भी आएगा और जाएगा पहले उसके हाथ से सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही वह एंट्री कर सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग एंट्री कर रहे हैं, जिसमें सैनिटाइज होने के बाद ही लोग अंदर महबूबा मंडी में दाखिल हो सकते हैं। यह लगा हुआ है आपके सचिव जो समिति मंडी समिति के सचिव हैं उनके कार्यालय के पास ही, सीधे सीधे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सैनिटाइज हो रहे हैं। हम भी अंदर घुस रहे हैं, आप देखिए, और सैनिटाइजर पूरी तरह हम भी अब सैनिटाइज हो गए हैं। अब कहीं से भी कोई बिना किसी उसके नहीं जा सकता है। सतीश शुक्ला, गोरखपुर। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।